हेलो बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम यूज करने वाले हैं एक प्लेन सरफेस और साथ में होगा हमारे पास एक लेजर पॉइंटर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाता हूँ तो यहाँ पे आप एक इंसिडेंट रे को और एक रिफ्लेक्टेड रे को नोटिस कर सकते हैं। इस फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे लाइट एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और बाद में उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। ये जो आपको रे दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और साथ साथ में जो दूसरी रे आपको बाउंस बैक वाली दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ हम प्लेन सरफेस से एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको कहा जाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साथ साथ में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होता जाता है। ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट है। हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल में ही होता है। मतलब कि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही बनेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे ही मैं यहाँ पे लेज़र लाइट को सरफेस से परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाता हूँ तो यहाँ पे उसी पाथ को रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फॉलो करती है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो बनता है बिकॉज नॉर्मल के साथ ये जीरो डिग्री बनाते हैं। आई होप आप लोगों को आज का एक्सपेरिमेंट परफेक्टली समझ में आ गया होगा। मजा आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लाइट चैप्टर का थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।